तो वरियर्स आप सभी का स्वागत है सेब शॉप का आज जो हमारा सेकंड डे है और आज की जो एक ट्रेनिंग जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आज की जो ट्रेनिंग है वो मैं आपको अभी देने वाला हूँ उम्मीद है कि आप इस ट्रेनिंग से सीखेंगे और अपनी जिंदगी में हर वो मुकाम हासिल करेंगे जिसके आप हकदार हैं जिसकी सोच के साथ आप इस बिजनेस में आए थे जिस सोच के साथ लक्ष्य के साथ आप इस बिजनेस में आए थे मेरी उम्मीद है कि आज की ये ट्रेनिंग आपको बहुत मदद करने वाली है तो मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग तैयार हो जाइए शॉप डायरेक्ट दिल से क्योंकि बहुत अच्छा लगता है बोलना डायरेक्ट दिल से क्योंकि इस बिजनेस को हम पिछले बारह सालों से कर रहे हैं और वाकई में ये कंपनी ने डायरेक्ट दिल से बाद में लिखा है लेकिन हमने शुरुआत शुरुआती दिनों से ही इस बिजनेस को डायरेक्ट दिल से करना शुरू और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को दिल से करेगा उसे जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा वो जिस चीज को चाहेगा वो चीज उसकी हो जाएगी तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि बिजनेस करना है ये सेब शॉप करनी है तो इसको दिल से करिए क्योंकि जिसने दिल से किया ना वो किसी भी चीज का बिल भर सकता है आपको समझना है कि जो काम आप दिल से करोगे तो वहां बिल भरने के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी इस बिजनेस में इतनी ताकत है मैं पिछले 12 सालों से देख रहा हूं बारह सालों से मैं देख रहा हूं कि इस बिजनेस में इतनी ताकत है इतनी ताकत है जो चाह वो तो मिला जो नहीं भी चाह वो भी मिला सोच के देखिए तो ऐसा बेहतरीन बिजनेस जिसके आप एक हिस्सेदार हो और आने वाले वक्त में आपकी जो जिंदगी है वो बहुत शान और शौकत वाली होने वाली है तो सभी लोग तैयार रहिए जैसे आप लोग फ्लाइट में बैठते हैं तो बोलते हैं कि अपनी जो पेटी है अपनी जो बेल्ट है उसको बांध लीजिए तो आप लोग सभी तैयार हो जाइए अपनी बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अब उड़ान शुरू होने वाली यह लॉकडाउन खत्म होगा और मुझे पता है ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम हर मुसीबत को हर तकलीफ को नॉकडाउन करने वाले हैं मुझे मालूम है मेरे योद्धा सभी तैयार हैं तो अभी जो ट्रेनिंग में शुरू करने वाला हूं ध्यान से देखिए ज्वाइनर टू तो बिकम वर्कर कि ज्वाइन करने वाले को वर्कर कैसे बनाना है क्योंकि मकसद हमारा ज्वाइन करना नहीं है जो मकसद है वो ज्वाइन करना नहीं है हम बिजनेस ज्वाइन करने नहीं आए हैं हम बिजनेस में आए हैं तो सपने पूरे करने के लिए आए ज्वाइन करना कोई मकसद नहीं है ज्वाइन करने के बाद वर्कर बनना वो मकसद है क्योंकि बिना काम के दाम नहीं मिलेगा अगर दाम चाहिए तो काम आपको करना पड़ेगा और काम करने के लिए आपको काम सीखना पड़ेगा क्योंकि बिना सीख के आप कुछ कर ही नहीं पाओगे जिसने सीख लिया तो समझिए उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी वो चीजों को समझेगा और चीजों को आसानी से करना शुरू करेगा उसके लिए हर वो चीज आसान लगेगी आप देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को गाड़ी चलानी नहीं आती है जब मैं पहले गाड़ी नहीं चलाता था जब मैं लोगों को देखता था लोग कैसे गाड़ी यूं घुमाते थे यूं चलाते थे ये खाली अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपकी भी बात कर रहा हूं हर आदमी की जिंदगी में ऐसा होता है उसको लगता है पता नहीं यार ये गाड़ी सीखना भी एक स्पेशल कला सी होगी इसमें कोई एक्स्ट्रा होना चाहिए होगा <coughs> सॉरी लेकिन गाड़ी जब आप लोगों ने खुद सीखी तो आपके लिए भी आसान थी क्योंकि सीख के चीजें आसान होती है फिर आप एक हाथ से भी गाड़ी चला सकते हो आप फोन करते करते भी गाड़ी चला सकते हो कई बार तो लोग पीते पीते भी गाड़ी चलाते हैं तो आपको समझना यह है कि अगर आपने सीख लिया ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं फिर आपके लिए हर हर चीज आसान हो जाएगी बस जरूरत है सीखने की और हमारी जो कोशिश है वो यही है कि लोग सिर्फ ज्वाइन ना करें इस बिजनेस को हमारा मकसद ज्वाइन कराना नहीं है हमारा मकसद है कि आदमी जो बिजनेस में आ रहा है जिसने बिजनेस को ज्वाइन किया वो ज्वाइन होने के बाद वो व्यक्ति काम करना सीखे और वो अपने सपने पूरे करे ये हमारी सोच है ये हमारा लक्ष्य लोग ये ना बोलें कि मैं भी ज्वाइन था लोग ये बोलें मैं ज्वाइन हुआ था उस तारीख को और आज मेरे पास में ये चीजें हैं इसलिए आपको ध्यान देना है कि हमारा मकसद है कि ज्वाइनर को कैसे वर्कर बनाना है क्योंकि सीख लिया तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी कुछ भी चाहोगे चुटकी में पूरा हो जाएगा बस सीखना है एक बार सीख लिया आपके लिए ना गांव मायने रखेगा ना आपके लिए आपका शहर मायने रखेगा ना आपके लिए आपका स्टेट मायने रखेगा आप किसी भी जगह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके आप बिजनेस कर सकते आप अकेले भी जाओगे तब भी कर सकते हो क्योंकि अगर आपने सीख लिया ना आपके लिए हर एक चीज आसान आप कहीं भी बिजनेस को कर सकते तो इंपॉर्टेंट है बिजनेस को सीखना इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइनर को कैसे हमको वर्कर बनाना है तो इसलिए आपको ध्यान देना है हमारा मकसद ज्वाइन कराना नहीं है हमारा मकसद है उस आदमी को काम करवाना क्योंकि काम करके वो आदमी अमीर बनेगा काम करके वो आदमी डायमंड बनेगा काम करके वो आदमी अपनी जिंदगी के हर सपने पूरे करेगा ज्वाइन करके नहीं होगा बच्चा जब स्कूल में जाता है एडमिशन लेने से उस बच्चे की जिंदगी नहीं बदलेगी बच्चे की जिंदगी बदलेगी तब जब वो एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई करेगा हर वो चीज सीखेगा फिर वो एग्जाम देके पास होगा फिर अगली क्लास में जाएगा धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता जाता है और वो व्यक्ति क्लास 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 पास करते 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 कब वो डॉक्टर इंजीनियर पायलट पता नहीं क्या क्या नहीं बन जाता है लेकिन आपको समझना होगा कि खाली ज्वाइन करके हमारी जिंदगी नहीं बनती लोग इसीलिए इसीलिए इसी, इसी, इसी वजह से लोग ब्लेम करते हैं तो इसलिए हमारा मकसद क्या है कि ज्वाइन नहीं कराना है ज्वाइन कराने के साथ साथ उस व्यक्ति को हमको वर्कर भी बनाना है लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि सेब शॉप ज्वाइन करने से मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी सेब शॉप ज्वाइन करने के बाद मुझे काम सीखना पड़ेगा का और काम करना पड़ेगा का। इसलिए आपको यह विशेष तौर पे ध्यान देना है कि ज्वाइन होना हो चुके अब बात है सीखने की अब बात है वर्कर होने की एक बार आप वर्कर बन जाओगे आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी वर्कर बनते बनते कब आपके सपने पूरे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा हम पिछले बारह सालों से सीखते आ रहे हैं हम पिछले बारह सालों से करते आ रहे हैं हमें कभी हमें कभी ये लगा ही नहीं कि यार नहीं हम आज ज्वाइन हुए या हम ग्यारह साल पहले ज्वाइन हुए हमें लगता है हम आज भी वैसे हैं जैसे पिछले बारह सालों में तारीखें बदलती गई लेकिन हाँ हम लोग आज भी जैसे शुरुआत में थे आज भी हम वैसे ही हैं हर वो चीज सीखने की हमारी कोशिश रहती है हर वो बेहतर से बेहतर करने की हमारी कोशिश रहती है कोशिश रहती है कि कैसे हम अपने लोगों को बेहतर से बेहतर दे सकें इसे ध्यान रहे कि ज्वाइन कराना हमारा मकसद नहीं है ज्वाइन कराने के साथ साथ उसको वर्कर बनाना वो मकसद उसकी जिंदगी वर्क करने से बदलेगी ज्वाइन करने से इसे ध्यान देना है आज मैं आपको 10 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जो कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले तो सभी लोग तैयार हो जाइए यह है स्टेप वन क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है शो द प्लान वंस और ट्वाइस आपका व्यक्ति आपका एसोसिएट आपका जो खासम खास रिश्तेदार है जब वो बिजनेस में आपके साथ आता है जब वो आपका बिजनेस पार्टनर बनता है आपका काम यह है कि उस आदमी को कम से कम एक दो बार तो कम से कम उसको बिजनेस प्लान फिर से दिखाना है हम लोग क्या करते हैं एक बार बिजनेस प्लान दिखा दिया हो गया अरे एक बार से नहीं होगा हमारा जो मकसद है उस आदमी को बिजनेस में टिकाना है वो अच्छे से बिजनेस कर सके वो अच्छे से बिजनेस को समझ सके वो सपने पूरे कर सके ये मकसद है हमारी यही सोच है कि जो व्यक्ति आज आपके साथ ज्वाइन हुआ है वो पिछले आ, मतलब देखा जाए तो अगर आज ज्वाइन है तो आने वाले दस साल के बाद भी आपके साथ खड़ा दिखना चाहिए आज हमारे को बड़ी खुशी होती है कि हमारे शुरुआती दिनों के लोग जो मेरे दोस्त मेरे भाई के दोस्त मेरे रिश्तेदार जब शुरुआत में हमने बिजनेस किया था वो वो आज भी हमारे साथ में मैं यही चाहता हूं कि आपके लोग भी आपके साथ में लेकिन रहेंगे कब तब रहेंगे जब आप उनको वो सारी चीजें देंगे जो उनको रहने के लिए एक न्यूट्रिशन का काम करें तो इसलिए ध्यान देना है कि हमारा मकसद है कि जब व्यक्ति बिजनेस में आए उसको कम से कम एक या दो बार फिर से उसको बिजनेस प्लान दिखाओ एक बार में समझ नहीं आता है एक बार में तो सब हवा हवाई होता है क्योंकि आपने देखा होगा जब भी बिजनेस प्लान दिखाते हैं एक नया व्यक्ति हमको बिजनेस प्लान है और वो जो माहौल होता है ना उसमें वैसे थोड़ी सी शर्म एक थोड़ा सा एक हेजिटेशन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वो व्यक्ति होता है वो चीजें नहीं समझ पा रहा होता है ठीक है तो वो कई बार क्या होता है वो बहाव में वो आदमी बिजनेस को कर लेता है उसको बिजनेस समझ नहीं आया है बस वो बहाव में वो माहौल में हो सकता है शर्म के मारे एक लिहाज में आपके साथ बिजनेस में आ जाए लेकिन उसको बिजनेस समझ में नहीं आया है तो आपका काम है उस आदमी को फिर से एक दो बार फिर से उस आदमी को बिजनेस प्लान दिखाना है उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि वो किस बिजनेस में किस धंधे में आया है उसको मालूम होना चाहिए वो मालूम कब होगा जब आप उसको फिर से वो बिजनेस प्लान दिखाओगे उसको लगना चाहिए वाकई में यार जो कल देखा वो तो समझ नहीं आया जो आज वो तो समझ आ रहा है इसलिए आपको बिजनेस को फिर से दिखाना है कम से कम एक बार या फिर दो बार और वहां पे उस व्यक्ति को Linear और लेवरेज इनकम का फर्क दिखा रहा है लीनियर इनकम क्या होती है और लेवरेज इनकम क्या होती है अकेले काम करने से क्या होगा और अगर टीम साथ होगी तो क्या होगा ये आपको उसको दिखाना है यह अगर आपने दिखा दिया तो उसको समझ आएगा कि यार आज तक जो मैंने किया वो तो ये समझो कि कुआं खोदा और पानी पिया लेकिन हमको कुआं खोदना और पानी नहीं पीना है हमको एक पाइपलाइन का निर्माण करना है हमको भविष्य के लिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक पाइपलाइन का निर्माण करना पड़ेगा एक लेवरेज इनकम का निर्माण करना पड़ेगा कि मैं रहूं ना रहूं सोचना ना पड़े कि इनकम आए या आएगी या नहीं आएगी ये सोचना ही ना पड़े क्या होगा कल ये सोचना ना पड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी पढ़ाई आदमी इसी टेंशन में मर जाते आदमी इसी टेंशन में है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं पहले तो उनकी पढ़ाई का खर्चा बाद में उनकी शादी का खर्चा लेकिन पढ़ाई और शादी के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उनका करियर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पैसा लगाने के बाद भी कई बार नौकरी नहीं मिलती है तो सोच के देखिए वो जो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट वो बच्चे पे हुई वो बीस साल जो बच्चे पे लगाए वो जो मुखिया ने अपनी जिंदगी में उस खून को पानी बना के बहा दिया लेकिन हुआ क्या कुछ नहीं तो सोच के देखिए अगर ऐसे हालात परिस्थितियां रहेगी तो जिंदगी जिएगा नहीं आदमी जिंदगी सिर्फ काट रहा होगा दिन गिन रहा होगा तो आपको समझने की जरूरत है कि भाई हमें उस व्यक्ति को लीनियर और लेवरेज इनकम बतानी है कि आज अगर इस बिजनेस को करेंगे आज अगर इस बिजनेस में आप आ चुके हैं अगर आपने इस बिजनेस को सिस्टम से किया तो आप एक आने वाले दो साल चार साल पांच साल के बाद अपने लिए एक लेवरेज इनकम तैयार करेंगे रहो ना रहो पैसा आएगा करो ना करो पैसा आएगा सोच के देखिए सोते सोते पैसा खाते खाते पैसा बैठे बैठे पैसा घूमते घूमते पैसा नाचते नाचते पैसा गाते गाते पैसा हंसते हंसते पैसा पैसा ही पैसा और ये पैसा तभी आता है जब आप अपने लिए एक लेवरेज इनकम तैयार करते हैं एक टीम बिल्डिंग करते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि भाई अगर मैं आज हूं अगर मैं दो साल चार साल इस बिजनेस को करता हूं तो मेरा भविष्य कैसा होगा ये आपका काम है उसको समझाना वो क्लियर करना है ये आपका काम क्योंकि वो व्यक्ति वो आपका फ्यूचर है आपने पढ़ा होगा कि बुढ़ापे का सहारा बुढ़ापे की लाठी जब हम स्कूल में थे हम पढ़ते थे क्या होता है बुढ़ापे का सहारा उसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन हाँ यहां पे गारंटी है कि अगर वो आदमी अगर वो व्यक्ति जो आपका साथ अभी बिजनेस में आया है जिस व्यक्ति ने अभी अभी आपके साथ को पकड़ा है आपका हाथ थामा है इस बिजनेस में अगर वो व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बनेगा तो वह व्यक्ति आपको पचास लाख देगा अगर वह व्यक्ति डबल डायमंड बनेगा तो वह व्यक्ति आपको एक करोड़ कमा के देगा सोच के देखिए, तो आपको उस व्यक्ति के लिए टाइम निकालना पड़ेगा उनको समझाना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा कि लिनियर और लेवरेज इनकम क्या है और एक कारण होना चाहिए बिना कारण के कोई काम करेगा ही नहीं मुझे भूख नहीं है मैं खाना खाऊंगा नहीं आपको एक कारण तैयार करना पड़ेगा एक वजह तलाशनी पड़ेगी क्यों काम करना है एक रीजन बनाना पड़ेगा वो व्यक्ति को आपको समझाना पड़ेगा उसके अंदर से वो चीजें निकालनी पड़ेगी कि वो व्यक्ति काम क्यों करे क्योंकि वजह होगी तो वह व्यक्ति हर हाल में बिजनेस को करेगा हमारे पास में वजह हमारे पास में बहुत वजह थी हम वो जिंदगी नहीं जी रहे थे हमें जलन होती थी यार देखते थे यार कि मैं भी इंसान हूं वो भी इंसान है वो व्यक्ति अच्छी जिंदगी जी रहा है तो जल जल के हम तो मरी रहे थे वैसे भी आदमी करेगा क्या पैसा नहीं है कुछ नहीं है तो आपको समझना है कि एक कारण होना चाहिए हमारे पास में ढेर कारण थे कि इस बिजनेस को क्यों करना है कारण ही कारण भरे पड़े थे कारण मतलब गिनाऊं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए ऐसे ऐसे कारण तो वो कारण थे और कारण की वजह से हम लोग टिके हम लोग करते गए और मुझे मालूम है आपके पास भी ढेर कारण है यही वजह है कि आप भी इस बिजनेस में कारण रहेंगे तो आप बिजनेस करोगे कारण नहीं है तो आप बिजनेस नहीं करोगे कारण रहेंगे तो आप अपलाइन की बात सुनोगे अगर कारण नहीं रहेंगे तो आप अपलाइन की बात नहीं सुनोगे कारण रहेंगे तो आपको अपलाइन की बात बुरी नहीं लगेगी कारण नहीं रहेंगे तो आपको अपलाइन की अच्छी बात भी बुरी लगेगी कारण रहेंगे तो आपको धूप नहीं लगेगी कारण नहीं रहेंगे तो आपको धूप लगेगी कारण रहेंगे तो आपको मेरे दोस्त ठंड भी नहीं लगेगी कारण नहीं रहेंगे तो आपको ठंड भी लगेगी फिर आपको बारिश भी आएगी पता नहीं क्या क्या नहीं हो जाएगा वजह होनी चाहिए वजह है तो इंसान कुछ भी कर जाए तो आपको समझने की जरूरत है एक कारण हमको तैयार करने पड़ेंगे दूसरा स्टेप शो डीवीडी अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास जो बिजनेस किट है जो नई बिजनेस की टाई है उसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल है आपको अब तो खैर वो जमाना चला गया अब तो हर आदमी के पास में स्मार्टफोन है पहले वो दौर था कि घर में डीवीडी उठाना पड़ता था तो वहां पे लोग देखते थे पूरा परिवार इकट्ठे होके देखता था लेकिन अब इतनी अच्छी चीजें हो चुकी है इतनी चीजें आसान हो चुकी है हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन है मुझे अभी भी याद आता है वो एक वो दौर था और एक आज का दौर है एक एक वो दौर था जब हम लोगों ने शुरुआत में फोन लिया नेट का इस्तेमाल होना लगा उस टाइम टू जी चलता था और एक जी भी डाटा मिलता था पूरे महीने के लिए लोग थोड़ा ऑन करते थे तुरंत बंद कर देते थे लोग फोन ही नहीं करते थे मिस्ड कॉल मारते थे वो भी दौर था लेकिन आज मैं धन्यवाद करता हूं अंबानी जी को जिन्होंने आज एक ऐसी एक ऐसी व्यवस्था तैयार की कि आज हर हिंदुस्तानी के हाथ में मोबाइल फोन और आज अंबानी जी की वजह से ही इतने जो महंगे डाटा हुआ करते थे कॉलें इतनी महंगी हुआ करती थी वो सब सस्ती हो गई अब दिन का एक जीबी दो जीबी डाटा मिलता है तो मुझे उम्मीद है कि ये जो डाटा मिलता है अब आपके पास में यूट्यूब में बहुत ढेर सारे जो हमारे प्रोग्राम के वीडियोज हैं वो अवेलेबल हैं आप उनको दिखा सकते हैं अपने लोगों को दिखाइए स्टार डे है बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं सबकी वीडियोज है वहां पे आप दिखाइए क्योंकि आपको व्यक्ति को जो आपका बिजनेस पार्टनर है उनको माहौल में रखना पड़ेगा वो कैसे रखोगे जब आप उनको दिखाओगे वीडियो दिखाओगे वो तो देखेगा और उनको बोलिए कि अभी आपके पास में जो बिजनेस किट है उसमें कई कई ऐसे आ, मैं बोलू योद्धा हैं, एक्चुअल में योद्धा हैं, जिनकी जिंदगी मतलब आप यकीन नहीं करोगे मतलब वो जिंदगी जी रहे थे जो एक आदमी सोच भी नहीं सकता लेकिन उस जिंदगी से वो निकले उस जिंदगी से वो निकले उस दलसल से वो निकले दल दल से निकलने के बाद आज शान शौकत वाली जिंदगी चीज है वो फर्ज से लेके वो अर्श में आ चुके हैं ये जिंदगी दी है सिर्फ शौक एक ऐसी जिंदगी दी है तो आप अपने उस बिजनेस पार्टनर को बताइए कि ऐसी स्टोरी पढ़े कुछ मिलती जुलती स्टोरी क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी से मिलता है सुनने में तो यह भी आया है कि दुनिया में एक आदमी के कम से कम सात चेहरे होते हैं कि सात होते हैं तो स्टोरी तो कई है बहुत सारे लोगों की मतलब तकलीफें तो एक जैसी ही होती है मैं समझता हूं जब तकलीफ है तो तकलीफ है ही है गरीबी तो एक जैसी ही होती है तो आपको उस व्यक्ति को यह बताना पड़ेगा कि भाई आपके पास में जो बिजनेस बुक है उसमें स्टोरीज है उसमें टेस्ट है उसमें जीवनियां है लोगों की हमने बहुत पढ़ ली महात्मा गांधी की जीवनी हमने बहुत पढ़ ली और स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी क्योंकि उन्होंने को देश आजाद करना था कर गए अब हम जीवनी पढ़ेंगे उन सेनानियों की उन योद्धाओं की जिन्होंने गरीबी से जंग जीती है और आज अमीरी वाली जिंदगी जी रहे ऐसी जिंदगी हर कोई चाहता है हर व्यक्ति चाहता है हिंदुस्तान का हर व्यक्ति चाहता है वो है उन्होंने वो लड़ाई जीती है तो हमें उन व्यक्ति, उन व्यक्तियों की जीवनी पढ़नी है उन लोगों की जीवनी पढ़नी है। जिनकी हम जीवनी पढ़ते आए थे स्कूल में वो जीवनियों वो जीवनिया हमारी जिंदगी में कुछ अलग नहीं कर पाई मुझे मालूम है लेकिन इन जीवनियों का अगर हम पढ़ेंगे ये जिंदगी में बहुत अलग करेंगे हमारे को बिल्कुल अलग थलग करके रख देगी यानी कि उस गरीबी के दल दल से उठा के अमीरी में लेके आएगी तो ऐसी जीवनियां पड़ी। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है आपको समझना है आपको बस वो माहौल में रहना है अपने लोगों को बताइए कैसी स्टोरी पढ़िए और आप लोग खुश नसीब है कि अभी के जो बिजनेस किट आपके पास अवेलेबल होगी उसमें बिजनेस बुक जो है जिसमें हमारी टेस्ट है बहुत सारी चीजें हैं उसमें आपको नेटवर्किंग क्या है क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो बिजनेस बुक के साथ अवेलेबल रहेगी तो बहुत खुशी की बात है और स्टेप तीन मेक लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड मीट हिज और हर गेस्ट तो ये वाला जो चीज है मैं देखता आता हूं मुझे ये बात मालूम है अच्छे से मैं जानता हूं कि लोग क्या करते हैं लोग मतलब कामचोर कहते हैं जिसको आलस कहते हैं जिसको वो सारे जो हथकंडे हैं ना वो बिजनेस में अपनाना शुरू करते हैं भाई आप उस चीज में उस चीज के साथ ये वो सारी चीजें कर रहे हो जो कंपनी आपको अमीर बनाएगी जो सिस्टम आपको अमीर बनाएगा जो काम आपको अमीर बनाएगा आप उसके साथ काम चोरी कर रहे हो आप वहां पे आलस कर रहे हो जहां आलस करना चाहिए था वहां नहीं किया वहां आठ आठ दस दस घंटे हम लोग पीसते गए हम कोलू के बैल की तरह घूमते गए घूमते गए लेकिन जिंदगी जिंदगी मतलब पीस के खत्म हो गई हमने वहां काम चोरी नहीं की लेकिन ये बिजनेस में जहां पे चार साल पांच साल के अंदर जिंदगी बदल जाती है वहां पे काम चोरी वहां पे आलस इसलिए ध्यान रहे कि आपको अपने व्यक्ति जो आपका बिजनेस पार्टनर है जो आपका साथी है उसकी लिस्ट अपने सामने बनानी खुद बनानी है कैसे बनानी है वो मैं बताता हूं आपको लिस्ट बनानी है बिजनेस बुक आपके पास है उसमें कॉलम है उसमें आपको क्या करना है उसमें आपको लिस्ट बनानी है सबसे पहले हॉट लोन पूछिए हां जी बताइए आपके मामा जी आपके मामी मौसी मौसा नाना चाचा ताया फूफा जीजा साला अरे ये लोग कब काम आएंगे सिर्फ शादी ब्याह में खाने काम आएंगे आदमी मरेगा तब रोने आएंगे शादी होगी कुछ अच्छा फंक्शन होगा तो नाचने आएंगे भैया हमको ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहिए हमको वो लोग चाहिए कि भाई मेरे को समझे मुझे समझे हालात परिस्थितियों को समझे इसलिए ध्यान रहे लिस्ट आपको खुद अपने सामने बनानी कैसे बनानी है जो मैंने अभी आपको बताया अपने सामने लिस्ट बनाओ अपने सामने लिस्ट बनाओ खुद से बनाओ कम से कम पंद्रह से बीस लोगों की लिस्ट चुटकी में बन के आएगी आप दे देते हो काम कि नहीं आपको लिस्ट बनानी है लिस्ट नहीं बनानी है आप सोच के देखिए मुझे आज भी मालूम है जब हम छोटे थे तो क्या होता था स्कूल में जाते थे हमने एडमिशन लिया पहली क्लास में गए तो किताबें मिलती थी हम तो बस वो चित्र के खुश होते थे कि उस किताब में जब नई नई क्लास में हम जाते थे फिर हम किताब पकड़ते थे उसमें बस चित्र देख खुश होते थे लेकिन हमारे पेरेंट्स क्या करते थे आपने देखा हो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो क्या करते थे हमारी कॉपी किताब में खुद से वो कवर लगाते थे खुद से वो नाम लिखते थे हर चीज वो खुद से करते थे क्यों क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं नया हूं अगर मेरे हाथ में चीजें दी जाएगी तो मैं चीजें खराब कर दूंगा तो वही बात आपको भी मालूम होनी चाहिए कि व्यक्ति आपका नया है वो आपकी लिस्ट खराब कर देगा वो आपका जो ग्राउंड तैयार हो रहा है जंग के लिए जो ग्राउंड तैयार हो रहा है जो सेना तैयार हो रही है जो नए लोग तैयार होने वाले हैं वो उनको खत्म कर देगा जिसे ध्यान देना है कि जो लिस्ट है वो खुद बनानी है मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप ये काम करो खुद से लिस्ट बनाओ खुद से आप उसको दे देते हो बोलते हैं जिसका काम उसको साजे तो ये काम आपका है आपको ही अच्छा लगेगा आपको ही करना चाहिए जब वो सीनियर बन जाएंगे वो अपने लोगों के पास जाएंगे वो खुद बनाएंगे तब आपको नहीं करना है लेकिन जब आपको करना है तब आप ही को करना है आपकी जगह कोई और नहीं कर सकता स्टेप नंबर चार फिक्स अ डेट ऑफ फर्स्ट कमिंग शॉर्ट ट्रेनिंग मालूम होनी चाहिए हमारे वॉरियर्स के जितने भी इवेंट्स होते हैं जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उस सब की आपके सामने लिस्ट होती है सबको मालूम है कब कब क्या क्या प्रोग्राम है सारी चीजें जानते हैं हर एक चीज का मालूम है तो वो डेट आपके जो बिजनेस पार्टनर है, उनको भी मालूम होनी चाहिए पता होनी चाहिए कब है ट्रेनिंग हमें आज भी मालूम है कि जब हम शुरुआती दिनों में जब हमने बिजनेस शुरू किया था हम दिल्ली में थे हमें मालूम था कि कब कब ट्रेनिंग होती है कब कब प्रेजेंटेशन होती है फिर चाहे बस मिली फिर चाहे रिक्शा मिला फिर चाहे नहीं तो पैदल हम चले जाते थे लेकिन हमको पता था कब ट्रेनिंग है और कब प्रेजेंटेशन है कब शो है मुझे आज भी याद है प्रमोशन था हम लोग यहां से हिमाचल से दिल्ली बस में गए लोग बोलते हैं दूर हम चौदह घंटे और मतलब यहां से अगर मैं एक घंटा एक्स्ट्रा लगता था यानी कि यहां से लेके दिल्ली तक पंद्रह घंटे का सफर दिल्ली से बस स्टैंड आई बस स्टैंड से हॉल तक पहुंचना यानी कि ऑडिटोरियम तक पहुंचना एक दो घंटे वहां लगते थे लगभग मैं बात करूं कम से कम सत्रह घंटे से कम नहीं लगता था उस ऑडिटोरियम तक पहुंचना पहुंच के इतनी खुशी होती थी कि भाई हम लोग आज यहां पे हैं आज सिल्वर प्रमोशन है इतनी खुशी होती थी लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब वो प्रमोशन थी तो सीट नहीं मिली थी हम लोग बिल्कुल नीचे मैट पे बैठे हुए थे सत्रह घंटे सफर करने के बाद भूखे प्यासे और वही जो तैयार होना ऑडिटोरियम में ही जो वॉशरूम होते हैं वहीं पे तैयार होना वहीं तैयार होके जाना भूखे प्यासे वहीं पे फिर जगह नहीं मिलना और नीचे बैठ जाना वो एक्साइटमेंट रहती थी शो को लेके हर चीज को लेके तो आपको भी ऐसा ही माहौल तैयार करना पड़ेगा डेट आपके लोगों को मालूम हो चाहिए कब क्या है एक्साइटमेंट होनी चाहिए वो व्यक्ति खुद आपको बोले सर ट्रेनिंग कब है सर प्रेजेंटेशन कब है सर स्टार अवार्ड डे कब है सर वॉरियर अचीवर डे कब है टीएलसीसी कब है सिलून मीट कब है तो ये सारी चीजें वो आपको समझानी पड़ेगी सिखानी पड़ेगी और आल्सो फिक्स हिज और हर टारगेट बाय दैट डे उस शो में उसकी जिंदगी में क्या होगा क्या वो सिल्वर बनेगा क्या वो गोल्ड बनेगा उसके पास वो क्या चीजें होंगी वो भी आपको दिमाग में रखना है उसको समझाना है उसकी जो बुक है ड्रीम वाला जो कॉलम है वहां पे आपको लिखना है कि अगर जब स्टार वॉर डे हुआ तब मैं पर्ल बनूंगा या फिर जब वॉरियर चीव डे होगा मैं सिल्वर प्रमोशन लूंगा तो वो टारगेट लिखने पड़ेंगे उसमें क्योंकि टारगेट लिखोगे तो एक्साइटमेंट बनेगी करने की चाहत जगेगी, जहां चाहत जागेगी वहां पे आपके भविष्य की राहत डेफिनेटली होनी होनी है आपकी राहत पे कोई संकट आने वाला नहीं है लेकिन वो चाहत आपको तैयार करनी पड़ेगी और पांचवा स्टेप मीट विद अनदर गेस्ट एंड मोटिवेट हिम हर फॉर टीम बिल्डिंग उसके अगले गेस्ट से मिलिए खुद से आपको ये चीजें लानी हैं और तैयार करनी है कि कब मैं उस व्यक्ति के लोगों से मिलूं कितने टाइम 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 के अंदर एक एक फ्रेम जो मैंने कल बताया था एक टाइम फ्रेम सेट करना पड़ेगा वो टाइम फ्रेम के अंदर आपको उनके लोगों से मिलना है एक टाइम फ्रेम फटाफट फड़, पंद्रह लोग मुझे कितने दिनों के अंदर मिलवाने हैं उन पंद्रह लोगों में से कितने लोगों को मेरे को बिजनेस में लाना है प्रॉपर एक टाइम सेट होना चाहिए क्योंकि टीम बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम बिल्ड होगा तो खाली वो टीम बिल्डिंग हो रहा है क्योंकि टीम बिल्ड होगा तो समझो आपका ड्रीम बिल्ड होगा आपकी टीम बिल्ड हो रही है मतलब समझिए कि आपका ड्रीम बिल्ड हो रहा है अगर टीम पचास की बिल्ड हुई तो छोटा सपना पूरा होगा अगर टीम सौ की होती है तो थोड़ा उससे बड़ा सपना पूरा होगा टीम अगर दस हजार की पूरी होती है तो आपका और बहुत बड़ा सपना पूरा होगा क्योंकि टीम है तो ड्रीम है टीम है तो ड्रीम है टीम नहीं तो ड्रीम नहीं थोता चना बाजे घना सुना होगा आपने अकेला आदमी कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको टीम तैयार करनी पड़ेगी टीम है तो आपका ड्रीम है याद रखिए आज हम जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अपनी टीम के लिए काम करें क्योंकि हमें मालूम है मेरा हर बड़ा सपना पूरा हो सकता है लेकिन वो तभी पूरा होगा जब मेरे पास में मेरी टीम है वो राजा बहुत कमजोर है जिसका सेना नहीं है और वो व्यक्ति बहुत ही कमजोर है लाचार है मैं कहूं वो शरीर से तो ठीक है लेकिन वो सपनों के मामले में मैं उसको बिल्कुल लाचार मानता हूं अपाहिज मानता हूं तो इसे ध्यान रहे अगर टीम है तो आप धनी है पैसा हो ना हो मायने नहीं रखता अगर आपका टीम है ना तो पैसा तो चुटकी में आ जाएगा पैसे की फिक्र मत करिए टीम की फिक्र करिए टीम है तो सब चीज आ जाएगा टीम है तो घर गाड़ी बंगला सब चीज आ जाएगा किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा बच्चों के एजुकेशन के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा उनके करियर क्या होगा उनका शादी ब्याह जो करना है वो कुछ नहीं सोचना पड़ेगा बस सोचना आपको एक ही काम है कि मुझे अपनी टीम बनानी है इसलिए आपका सबसे बड़ा धन वो आपकी टीम है स्टेप नंबर सिक्स टेल हिम टू शो द प्लान टू यू बहुत बढ़िया चीज मैं देखता हूं लोगों को अपने लोगों को तैयार करते ही नहीं है अगर तैयार कर भी दिया तो उसको चेक करते ही नहीं है क्रॉस चेक होता ही नहीं है मुझे आज भी याद है कि जब हम लोगों की प्रेजेंटेशन होती थी संडे का टाइम होता था हिमाचल प्रदेश में एक जगह है रामपुर भू शहर रामपुर भू शहर में सबसे बढ़िया होटल होटल भगवती में हमारी प्रेजेंटेशन होती थी संडे टू संडे और दूर दूर से लोग आते थे तीन तीन चार चार घंटे बसों में सफर करके लोग प्रेजेंटेशन में पहुंचते थे क्योंकि हम वो माहौल तैयार करते थे लोगों को लगता था पता नहीं यहां पे क्या मिलने वाला है वो माहौल तैयार किया जाता था और हमको पता था प्रेजेंटेशन संडे को है लेकिन आप यकीन नहीं करोगे पुराने सभी लोग जानते हैं ये हकीकत है जितने भी पुराने लोग हैं हमारे जितने भी हमारे पुराने साथी हैं वो सभी जानते हैं कि सैटरडे का टाइम ऐसा रहता था जहां पे हम लोग सुबह के तीन तीन बजे तक तैयारी करते थे अगर किसी आदमी का वेलकम पार्ट है उसको खड़ा किया जाता था बाकी लोग अपना बैठ लेटे हुए हैं और सुन रहे हैं कि वेलकम पार्ट कैसा बोलेंगे बिजनेस पार्ट कैसा बोलेंगे प्रोडक्ट पार्ट कैसा बोलेंगे क्लोजिंग कैसे करेंगे हर एक चीज सुनी जाती थी पहले तैयारी होती थी पूरा तैयार किया जाता था तब जाके रण क्षेत्र में जाके रण जीता जाता था लेकिन कई लोग आज ये गलती करते हैं अपने लोगों को चेक नहीं करते कि उसको आता भी है या नहीं आता है तो आपको समझना है मेरे दोस्त कि आपको अपने लोगों को तैयार करना है उनको बोलिए कि आपको प्लान दे सुनिए आप देखिए कि, कि कितना तैयार हुआ है याद करिए वो टाइम जब हम स्कूल में पढ़ते थे एक बच्चा स्कूल जाता था तो स्कूल टीचर घर के लिए कुछ काम देके जाता था और बोलता था कल टेस्ट है क्योंकि टेस्ट होता था क्योंकि टेस्ट से ही बेस्ट होगा क्योंकि टेस्ट नहीं होगा तो बेस्ट नहीं होगा क्योंकि आज कितने भी अगर आप खेल देखोगे मैं क्रिकेट की अगर बात करूं टी ट्वेंटी है वन डे है लेकिन अगर परखना हो किसी भी खिलाड़ी को तो उसको टेस्ट में परखा जाता है जहां टेस्ट है तो समझो बेस्ट है तो ये याद रखिए स्कूल में भी टेस्ट होता था वो इसलिए होता था ताकि चेक किया जाए क्रॉस चेक किया जाए कि क्या यह बच्चा एग्जाम के लिए तैयार हो रहा है क्या यह बच्चा जो चीजें मैं बता रहा हूं क्या उसको समझ रहा है तो वही बात आपको आज की बात करनी है अपने लोगों को कैसे टेस्ट करना है कैसे चेक करना है तो अपने लोगों को चेक करना है टेस्ट करना है देखना है कि कैसे वो व्यक्ति तैयार हो रहा है आपको समझना है मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझेंगे और उम्मीद है कि आप ये चीजें करेंगे आज के बाद कि आप अपने लोगों को बढ़िया से टेस्ट करोगे चेक करोगे कि मेरा व्यक्ति कितना तैयार हुआ है क्या वो रण जीतने के लिए तैयार है क्या उसके अंदर वो चीजें आ गई है क्या उसके अंदर वो सारी चीजें आ गई है या नहीं आई है क्या वो एक अच्छा योद्धा बन रहा है या नहीं बन रहा है वो आपको चेक करना है वो आपको क्रॉस चेक करना है अपने लोगों को बार 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 उनको बोलिए कि कल मुझे बैठना है मैं आपका प्लान सुनना चाहता हूं। मुझे आपके साथ बैठना है मैं आपका एडुकेशन वाला पार्ट सुनना चाहता हूँ सुनना चाहता हूँ मैं आपका फ्यूचर और फाइनेंशियल प्लानिंग वाला पार्ट सुनना चाहता हूँ लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ भी आलस करते हैं आलस नहीं करना है बिजनेस आपका है काम आपका है आपको करना पड़ेगा अगर कल को सुखी बनाना है तो आज को तो दुख में गुजारना पड़ेगा क्योंकि आज का सुख कल का दुख और आज का दुख कल का सुख इसलिए ध्यान दीजिए अगर आज दुख के दिन जियोगे तो कल सुख में जियोगे अगर आज सुख में जियोगे तो कल दुख में जियोगे कल टेंशन होगी कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे कल टेंशन होगी बच्चों का भविष्य क्या होगा कल टेंशन होगी कि बच्चों की शादियां कैसे होगी ये सब तो हो जाएगा पता चला कि ये बच्चे की पढ़ाई भी हो गई बच्चे का करियर भी बन गया बच्चे की शादी भी हो गई और आपको इनाम में वृद्धाश्रम मिला ऐसे कई केसेस हैं आज के टाइम में बच्चों ने अपने मां बाप को उठा के सीधा वृद्धाश्रम डाला है तो इसलिए आपको समझना है कि अपनी टीम पे ध्यान दीजिए आपका टीम आपका ड्रीम है अगर आपकी टीम आपके साथ में है क्योंकि जहां पैसा है ना वहां लोग आपकी जी हजूरी करेंगे जहां का पैसा है आपके बच्चे आपकी कदर करेंगे आपका परिवार आपकी कदर करेगा जहां आपका पैसा नहीं है वहां कोई आपकी कदर नहीं करेगा मुझे आज भी मालूम है मैं जानता हूं जब हम बिजनेस में नहीं थे हम कुछ नहीं करते थे तो घर में हमेशा मेरे जो पापा है फौजी रिटायर्ड हो चुके हैं फौजी आदमी का रवैया आप जानते हैं उनका नेचर आप जानते ही हैं हमेशा गालियां हम लोग सुनते थे हमारे लिए टाइम होता था कि शाम को सूर्य से पहले घर पहुंचना है कहीं हम लोग शादियों में अलाउ नहीं होता था कि हम शादी में जाएं, मेले में जाएं। पिताजी का इतना कहर रहता था क्योंकि हम कुछ नहीं करते थे या ये समझिए हम अपने माँ बाप पे एक लाइबिलिटी थी बोझ थे इसलिए पिताजी का हुक्म ज्यादा चलता था लेकिन जैसे ही हमने बिजनेस में कदम रखा जैसे ही हमने कामयाब होना शुरू हुआ जैसे हमारी कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू हुए जैसे ही हम लोग कामयाबी के कदम से कदम बढ़ाते गए आगे बढ़ते गए अपना परचम लड़ाते गए पूरे हिंदुस्तान में वॉरियर्स को सेब शॉप को आगे बढ़ाते गए सपने पूरे होते गए गाड़ियां आती गई घर बन गया सब चीज हो गया घर में अपने आप इज्जत आने लगी जिसे ध्यान रहे पैसा नहीं है तो घर वाले भी इज्जत नहीं करते पैसा नहीं है तो दोस्त भी इज्जत नहीं करते पैसा नहीं है तो रिश्तेदार भी इज्जत नहीं करते वो दौर था जब हम बोलते थे ये मेरे रिश्तेदार हैं आज ये दौर है कि वो बोलते हैं कि हम इनके रिश्तेदार हैं चीजें बदल जाती है इसलिए बदलने के लिए पहले आपको तैयार है जब आप बदलोगे सब चीज बदल जाएगा जब आप नहीं बदले कुछ नहीं बदलेगा आपको बदलना होगा वो हालात परिस्थितियों के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़े तो इसलिए ध्यान रहे अपने लोगों को सिखाइए उनको बताइए कि भाई मुझे प्लान दीजिए देखिए आपके लोग कैसे तैयार हो रहे हैं मुझे आद भी याद है जब अभी मैं महाभारत देख रहा था आपने भी देखी होगी बहुत बहुत, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे महाभारत और रामायण से जो धीरे धीरे आपको समझ आएगा आगे की ट्रेनिंग में जब पांडवों की और कौरवों की शिक्षा कंप्लीट हुई शिक्षा के लिए आपको मालूम है कि पहले क्या होता था आश्रम में जाते थे राजा शाही परिवार से थे वो लोग, लेकिन शिक्षा के लिए उनको कहां भेजा जाता था आश्रम में भेजा जाता वो आश्रम में गए आश्रम में उन्होंने सीखा बहुत टाइम लगाया सीखे पूरा अपने आप को निपुण किया हर एक चीज सीखे जब वो सीख के अपने प्रदेश लौटे अपनी जगह में लौटे उस महल में लौटे तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक प्रदर्शन किया गया प्रदर्शन इसलिए किया गया कि ताकि पता तो चले आखिर उन्होंने सीखा क्या है भीम का दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ आपने देखा होगा युधिष्ठर ने अपने भाले से कमाल किया नकुल सहदेव ने तलवार से किया अर्जुन ने धनुष्बान से किया तो ये सारी चीजें क्या थी ये जो सीखा था उसका प्रदर्शन करना जरूरी है तो वही चीज आपके साथ है कि आपको भी मालूम होना चाहिए कि आपका व्यक्ति जो सीखा है कि उसका प्रदर्शन कैसा है वो आपको चेक करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा आपको खाली ऐसा नहीं है कि भाई त्यार करके छोड़ दिया अब वो तैयार कितना हुआ है क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा कहाँ गलतियां हैं वो आपको देखना है क्रॉस चेक करना है तो अपने लोगों को बताइए अपने सामने बिठाइए प्लान सुनिए देखिए कैसा देते हैं कैसा बिजनेस प्लान शो करते हैं और कंप्लीट नॉलेज दीजिए किस चीज की प्रोडक्ट की बिजनेस की प्लान की वेबसाइट की हर एक चीज का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए क्योंकि लड़ाई में अधूरे जाओगे ना तो फिर वापिस ही नहीं आओगे अधूरे मतलब जाना तो मतलब आप वापिस आ ही नहीं सकते ठीक है अगर आपके व्यक्ति आपका जो बिजनेस पार्टनर आपका जो साथी है अगर वो व्यक्ति अधूरे ज्ञान के साथ जाएगा और सामने वाले ने कुछ ऐसी बात बोल दी तो समझिए कि आपका जो व्यक्ति आपका जो बिजनेस पार्टनर आपका जो साथी सपनों की तलाश में जो निकला था वो खत्म होके आएगा उसका जो मोटिवेशन लेवल है जो उसका जो बोलते हैं कि जो चाहत थी सपनों को पाने वाली वो करके खत्म तो इसे जब भी किसी को भेजना है उसको कंप्लीट नॉलेज के साथ भेजिए क्योंकि कंप्लीट नॉलेज के साथ भेजोगे तो वो आदमी झंडे गाड़ के आएगा अभी फिर से मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूं महाभारत का अधूरा ज्ञान खतरा ही जान अधूरा जो ज्ञान होता है वो जिंदगी के लिए खतरा है आपने देखा होगा महाभारत में एक चक्रव्यूह की रचना की गई और तरीके से उन लोगों ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले गया उनको मालूम था कि अर्जुन को जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ना आता है उसको तोड़ना आता है वो उसको चक्रव्यूह को ध्वस्त कर सकते हैं उनको मालूम था इसलिए उन्होंने क्या कर दिया बहुत चतुराई से अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले गए और खुद क्या किया एक चक्रव्यूह की रचना कर दी अब युधिष्ठिर भी डर रहे हैं भीम भी डर रहे हैं सभी योद्धा डर रहे हैं कि हमें तो आता ही नहीं और तभी एक योद्धा आते हैं जिनका नाम है अभिमन्यु अब जानते हैं उन्होंने बोला कि मैंने सीखा है ताउश्री मैंने सीखा है मुझे मालूम है चक्रव्यूह में जाना कैसे है। और साथ ही साथ एक बात बोल गए कि मुझे जाना तो आता है लेकिन मुझे आना नहीं आता मुझे भेदना तो आता है लेकिन वहां से निकलना नहीं आता मुझे घुसना तो आता है लेकिन वहां से वापस निकलना नहीं आता तो उसके जो ताऊश्री है जो भीम, बाकी जो लोग थे, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं तुम घुसो हम तुम्हारे साथ साथ घुसेंगे यानी कि हम वो दरवाजा बंद होने नहीं देंगे हम वो एक जगह से खाली रखेंगे लेकिन हुआ क्या जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया चक्रय बंद हो गया वो तो बाहर रह गए और अभिमन्यु मारा गया क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरा है जान इसलिए ध्यान देना है कि अधूरे ज्ञान के साथ जाओगे अगर आपका व्यक्ति आपका जो साथी है आपका जो योद्धा है आपका जो एसोसिएट है आपका जो डाउनलाइन है अगर अधूरे ज्ञान के साथ फील्ड में जाएगा ना तो वो वापिस नहीं आएगा वो बस आया कुछ टाइम के लिए है जैसे हमारे यहाँ ना आपने सुना होगा कि देवी देवताए का बहुत रोल रहता है देवी देवता का जहां देवी देवता होते हैं वहां भूत प्रेत भी होते हैं कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है या कहीं भी रात में कहीं सफर कर रहा है तो भूत जो होते हैं वो उसको मतलब कैप्चर कर लेते हैं कैप्चर उन्होंने उसके शरीर को नहीं किया उन्होंने उसकी आत्मा को कैप्चर कर लिया बस एक बार आत्मा कैप्चर हो गई हफ्ता दस दिन पंद्रह दिन बाद बंदे का जाना निश्चित है उसको कोई रोक ही नहीं सकता इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपने भी अधूरे ज्ञान के साथ अपने एसोसिएट को भेज दिया तो वहां पे जब उसकी दुलाई होगी उसके बाद आपका एसोसिएट शरीर से तो वापिस आएगा लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी होगी इसलिए आत्मा को जिंदा रखना है तो कंप्लीट नॉलेज देना पड़ेगा क्योंकि जिसने सीख लिया तो वो बर्बाद नहीं होगा मैंने कल भी बताया था आपके हाथ से छीना जा सकता है लेकिन आपने जो चीज सीखी है उसे कोई छीन नहीं सकता है। और स्टेप नंबर आपके साथ साथ मुझे भी बहुत मजा आ रहा है बहुत सारी चीजें हमारी भी क्लियर होती जाती है ब्रिंग हिम टू एनी बिग सेमिनार एंड इंट्रोड्यूस हिम विद मोर पीपल एंड मोर अपने लोगों को कोशिश करिए कि सेमिनार में लेके जाइए बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन होती है वहां लेके जाइए बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वहां लेके जाइए मैं कहता हूं कि उनको माहौल में रखिए माहौल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और वहां जितने भी सीनियर्स होते हैं उनसे एक बार इंट्रोड्यूस करवाना है मिलवाना है क्योंकि माहौल में रह के जिंदगी बदल जाती है मैंने कल भी बताया था जो चीजें आपको आपके नॉलेज से नहीं मिलती है वो चीजें आपको आपके माहौल से मिलती है माहौल में रखिए वहां वो माहौल ऐसा होता है कि व्यक्ति लगता नहीं आदमी की प्रमोशन है आज से दो साल बाद चार साल बाद मेरी डायमंड प्रमोशन है। वो माहौल वहां पे मिलता है मुझे आज भी याद है कि दो की बात है जब हम लोग बिजनेस में आए थे और दिल्ली में प्रोग्राम था दिल्ली में शो था और शो शायद नाम था इंदर धनुष मेरे हिसाब से मुझे इतना क्लियर नहीं है लेकिन जो चीज मुझे याद है वो मैं आपको बता रहा। शो था शो में संजय जैन सर आए और हम भाई लोग और हमारे साथ में दो चार लोग और थे हम सबसे लास्ट वाली चेयर में बैठे थे सबसे लास्ट जो होता है हम वहां बैठे थे दो हजार आठ की बात है और शो शुरू होता है हम लोग थके आ रहे वही मैंने जैसे आपको बताया सत्रह घंटे सफर करने के बाद आदमी आधा सोरा होता है थका होता है भूखा प्यासा होता है और वो दौर आप जानते ही हैं आप लोगों के साथ भी गुजर रहा होगा कि पैसे भी नहीं होते थे आदमी खाने को तो खा ले लेकिन मनी भाई नहीं होता तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि ऐसा ही शो चल रहा था हम लोग बैठे हुए थे सुन रहे थे एक चीज मुझे जो याद है 2008 की संजय जैन सर आते हैं और बोलते हैं कि मुझे इस बिजनेस में आठ साल हो गए आठ सालों से मैं बिजनेस में हूं जब बिजनेस में आया था तो आठ लाख का कर्जा था संजय जैन सर के जूते नीचे से फटे थे सोल फटा था मुझे मुझे आज भी याद है जब पहला टारगेट मैंने जीता था कंपनी का मेरे जूते भी फट चुके थे मेरे जूते भी नीचे से फट गए थे क्योंकि बरसात का मौसम था अगस्त का महीना था जूते फट गए और मुझे संजय जैन सर की वो बात भी अभी याद आई है तो मैं आपसे सामने रख रहा हूं कि संजय जैन सर बोलते हैं आठ साल हो गए हैं जब बिजनेस में आया आठ लाख के कर्जे में था और जूते ऊपर से तो ठीक थे लेकिन नीचे का सोल फटा था ये हालात परिस्थितियां थी लेकिन वो बिजनेस करते गए उनका डिटरमाइनेशन उनकी लगन उनकी एकाग्रता उनका पागलपन उनका जोश उनका जनून उनकी तकलीफें वो हर वो चीज जो आठ साल उन्होंने बिजनेस में लगाए तो मैंने सुना कि उन्होंने आठ साल में उस टाइम आठ साल में आठ करोड़ और ये सुनने के बाद हमारी खोपड़ी में मतलब ये समझिए कि करंट सा लग गया जितने भी हम लोग आए थे कि यार आठ साल में आठ करोड़ मतलब हिल गए थे हम पूरा और पिछले वो उनके वीडियो आपने देखी भी होगी पिछले डेढ़ साल से लगातार सप्ताह का दो लाख आता था, था हम मतलब बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि जैसे शरीर पे ठंडा पानी की जो बाल्टी गिरा देते हैं सेम वैसे हुआ यार आठ साल में आठ करोड़ इतना पैसा और हम भाई लोग सोचने लगे यार आठ साल में जब ये आठ साल में आठ करोड़ कमा सकते हैं अगर हम चारों भाई लगे अगर आठ साल में एक करोड़ भी आ गया ना तब भी जिंदगी बदल जाएगी और यकीन मानिए मेरे दोस्त वो सोच लेके चले वो माहौल मिला और वो एक करोड़ की सोच लेके चले थे आठ साल में लेकिन आठ साल में हम उससे कहीं ज्यादा आगे नहीं आज ढाई लाख लोगों का नेटवर्क आज इतनी बड़ी टीम हो चुकी है आज हर बड़ा सपना अपना है आज गाड़ियों की लंबी लाइन है आज अच्छा घर है आलिशान घर है यहां पे घर है मुंबई में घर है चंडीगढ़ में अभी प्लॉट लिया है वहां पे हम अपना आलिशान घर बनाने वाले हैं तो जिंदगी शान और शौकत वाली होगी बस वो एक माहौल मिला था वो माहौल से वो एक सोच बनी थी इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने लोगों को माहौल में रखिए जो चीज नॉलेज से नहीं मिलती वो चीजें माहौल से मिलती है इसलिए ध्यान रहे माहौल में रहना है अपने सीनियर से मिलाना है और स्टेप नंबर एट सेट हिज और हर प्रायोरिटी फॉर सेब shop प्रायोरिटीज में रखना पड़ेगा मैं कई लोगों को देखता हूं कि वो थोड़ा सा ना भूल जाते हैं जोश जोश के साथ बिजनेस में आते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा ना उनका दिमाग कहीं आउट हो जाता है तो इसलिए आपको ध्यान देना है हमको मालूम होनी चाहिए सेब शॉप के मेरी क्या प्रायोरिटीज पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि सेब शॉप है क्या आपको यह मालूम होना चाहिए ये सेब शॉप है क्या ये सेब शॉप क्या कर सकती है सेम शॉप है तो मतलब सपने जो मर्जी आपने देखे हैं पूरे होने ही होंगे और यहां पे आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा दो महीना चार महीना छह महीना आठ महीना साल दो साल तीन साल चार साल के अंदर सपने पूरे फिर तो ऐसे सपने फिर तो ऐसी चीजें पूरी होती है जो सपने ही नहीं होते सोच के देखिए मतलब दो चार छह महीने में एक साल दो साल चार साल के अंदर जो है सपने पूरे होते यानी कि जो आपके सपने होते हैं एक छोटे छोटा व्यक्ति छोटे गांव का व्यक्ति छोटे शहर का व्यक्ति छोटी सी स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति उसके सपने क्या हो सकते हैं बस यही सपने हो सकते हैं कि एक छोटा सा मकान हो थोड़ी सी अच्छी लाइफ हो थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो और एक अच्छी सी गाड़ी हो वो गाड़ी भी कितने की आठ दस लाख रुपए से ज्यादा की सोचनी होती है लेकिन हाँ उसके बाद वो चीजें पूरी होती है जो सपनों से बाहर ही होती है हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि जयवार आएगा सत्तर लाख की गाड़ी है सोचा नहीं था कभी नहीं सोचा था बॉम्बे में मकान होगा कभी नहीं सोचा था कभी नहीं सोचा था क्या चंडीगढ़ में प्लॉट होगा ना लिया और मकान ना लिया। कभी नहीं सोचा था ये ये जो चीजें हैं ये सेफ शॉप मतलब अपने आप देता है ये सपनों से बाहर ये सपने होते ही नहीं है व्यक्ति के तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि भाई हमको मालूम होनी चाहिए हमारी प्रायोरिटीज क्या है सेफ शॉप के लिए हमको मालूम होना चाहिए मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि हर चीज को पहले रखेंगे सेब शॉप को बाद में जन्मदिन पहले मुंडन पहले शादी पहले मेले पहले अरे जिंदगी के झमेले खत्म नहीं हो रहे और आप मेले घूम रहे हो मेरे भाई जिंदगी के झमेले खत्म करने हैं तो आपको सेब शॉप करना पड़ेगा हर झमेला खत्म करता है सेवश शॉप हर झमेला लेकिन आपको समर्पित होना पड़ेगा प्रायोरिटी मेरा लेना पड़ेगा मुझे आज भी याद है पिछले 12 सालों से हम इस बिजनेस में हैं 12 सालों से मुझे यह पता नहीं आज मेरे यारी दूसरी रिश्तेदारी में शादियां होती हैं मुझे नहीं मालूम है कि मैं कितने में गया हूं मुझे नहीं मालूम कि कितने में कितनी जगह मरण हुआ कितनी जगह मुंडन हुआ मुझे नहीं मालूम अरे मेरे घर वाले हैं वो जाएंगे भाई हमें जाने की जरूरत नहीं है क्या मेरे जाने से कुछ अलग हो जाएगा नहीं मेरे परिवार वाले हैं वो जाएंगे वो उनका काम है जाना मेरे पिताजी है मेरी माँ है मेरी बहन है वो लोग जाएंगे हमने प्रायोरिटीज में बात करूं यार हमने तो अपने बीवी बच्चों को भी पहले नहीं रखा हमारे लिए बिजनेस पहले रहता है मुझे आज भी याद है मैंने कई दफा ये में बताया है मुझे आज भी याद है कि जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी पहली डिलीवरी होने वाली थी मैं कई दफा इस चीज को ट्रेनी में कह चुका हूं कि पहला बच्चा होने वाला था डॉक्टर जैसे आप लोग जानते हैं डॉक्टर एक डेट देते हैं कि ये टाइम है इस टाइम के दो चार दिन पहले या दो चार दिन बाद में डिलीवरी होगी अब भाई मैं आ गया मैंने टिकट कराई मैं फ्लाइट में पहुंचा और घर पहुंचा और इंतजार किया पांच दिन दस दिन पंद्रह दिन लेकिन हमारा क्या रहता है बाकियों का मुझे नहीं मालूम ले मैं अपनी बात करूं हमारे आने और जाने की डेट पहले फाइनल होती है कब आना है कब जाना है सब चीज पहले फाइनल होती है और 2015 की बात है मेरी बेटी का जन्म हुआ अप्रैल महीने में लेकिन उस टाइम टारगेट भी चले थे पांच मई को टारगेट खत्म हुए मुझे आज भी याद है दो में पांच मई को टारगेट खत्म हुआ था और मैं आया था टारगेट दिया था कि भाई मार्च के एंड एंड में बच्चा पैदा हो जाएगा मैं पहुंचा बच्चा नहीं हुआ अब मेरे हाथ में कुछ है नहीं मैंने अपनी वाइफ को बोला कि भाई मैं इतनी तारीख तक वेट करूंगा क्योंकि मेरी टिकट फाइनल हो चुकी है अब टिकट फाइनल है लेकिन बच्चा फाइनल नहीं था बच्चा इंतजार में था बच्चा वेटिंग में था ये चीजें भगवान के हाथ में होती हमारे हाथ में नहीं होती तारीख आई मेरे जाने की तारीख आ गई मैं निकल गया क्योंकि मुझे पता था मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे मेरी बीवी के पास मेरा परिवार है लेकिन मेरे लोगों के पास मेरे अलावा कोई नहीं है इसलिए मैं निकल गया मेरी बीवी नाराज होगी बीवी नाराज होके मायके चली गई मेरे घर वाले जानते हैं सभी जानते हैं लेकिन मैं नहीं रुका मैं चला गया और बच्चा जब हुआ तब जाके मुझे पता चला कि बेटी हुई है लेकिन मैं तब भी नहीं आया ग्यारह अप्रैल को मेरी बेटी का जन्म हुआ मैं नहीं पहुंचा ग्यारह अप्रैल को बेटी का जन्म हुआ मैं नहीं पहुंचा मैं पहुंचा पांच मई के बाद क्योंकि पांच मई को टारगेट खत्म हमने हमेशा प्रायोरिटीज ली है किस चीज की सेब शॉप की क्योंकि मुझे मालूम है सेब शॉप है तो बच्चा प्यार करेगा सेब शॉप है तब जाके इज्जत मिलेगी अगर सेब शॉप नहीं है तो कुछ नहीं है अरे बच्चा हुआ तो बाप की ज्यादा जरूरत नहीं है वहां पे वहां माँ चाहिए क्योंकि बच्चे को जरूरत होती है दूध पीने की तो बाप ने कौन सा दूध पिलाना है बाप कौन सा दूध पिलाएगा भाई दूध तो माँ को पिलाना है ना बाप की जरूरत तो एक ही जगह पड़ती है पैसे में यहां इतना पैसा लगेगा वहां इतना पैसा लगेगा बच्चे के एडमिशन में इतना पैसा लगेगा बच्चे की स्कूल फी ये है बच्चे के ट्यूशन फी ये है बच्चे का ड्रेस ये है बच्चे का बर्थडे है बच्चे का खिलौने हैं बाप की जरूरत वहां पड़ती है मुझे मालूम था प्रायोरिटीज में हमने हमेशा सेब शॉप को रखा है हमारे लिए हमेशा सेब शॉप पहले रही तो इसे ध्यान देना है कि आपको भी अगर बिजनेस में कामयाब होना है सेब शॉप को प्रायोरिटीज में रखना बेसिक ट्रेनिंग आपके लोगों को आनी चाहिए आपके एसोसिएट को आनी आर एडिफाइड लेवल एंड देयर वैल्यूज लेवल की एडिफिकेशन होनी चाहिए सिल्वर क्या है क्या होता है सिल्वर लेवल अगर सिल्वर लेवल होता है तो मोबाइल फोन आएगा सिल्वर लेवल हुआ तो लैपटॉप आएगा गोल्ड होगा तो मेरे भाई मोटरसाइकिल आएगा गोल्ड होता है ढाई सौ की टीम भी होगी पर्ल होगा पांच सौ की टीम होगी और अपने लिए ऑल टो एट हंड्रेड गाड़ी खरीद सकता है तो पास होगा साढ़े बारह सौ की टीम होती है इतना पैसा आएगा बहुत सारी चीजें हैं आपके पास बताने के लिए आपको समझाना पड़ेगा कि टीम है तो ड्रीम है अगर टीम इतने की होगी तो ड्रीम इतना पूरा होगा टीम इतनी रहेगी तो ड्रीम ये रहेगा आपको बताना पड़ेगा मैं तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे स्टेप नाइन ब्रिंग योर पर्सन इन टू ऑफिस एंड टेल हिम अबाउट प्रोसीजर मुझे याद है जब हमने विजन की शुरुआत की थी मतलब मैं ये कहूं कि हमने शुरू से इस बिजनेस को ऐसे किया जैसे कि नौकरी पेशा करता है मतलब जी जान से लगना है डेली करना है मतलब ये वाला काम कोई छुट्टी नहीं कुछ नहीं और मुझे याद है कि जब हमने शुरुआत में इस बिजनेस को आ, किया था हमने ऑफिस के साथ किया था हमारा एक मीटिंग पॉइंट हुआ करता था छोटा सा और मुझे आज भी याद है कई लोग ऑफिस के टच में रहते थे उनका काम नहीं चल रहा था लेकिन वो हमेशा ऑफिस में रहते थे ऑफिस में फोटो स्टेट करना बैंकिंग कराना ये सारे वो काम करते थे वो हमेशा माहौल में रहते थे और आज ऐसे ही लोग कामयाब हुए हैं और जो लोग ऑफिस से अनटच रहते थे जो लोग ऑफिस से भागते थे दूर जाते थे उनको लगता था यार काम तो हो नहीं रहा है तो यहां बैठ के भी क्या करें वो चले जाते थे और चलते चलते कब बिजनेस ही चले गए उन्हें मालूम ही नहीं हुआ लेकिन कई लोग थे उनको पता था काम नहीं चल रहा है गम नहीं लेकिन वो लोग हमेशा उस हमारा जो मीटिंग पॉइंट था वहां बैठे रहते थे हर वो छोटे छोटे काम करते थे बैंकिंग से लेके, फोटो कराना बहुत सारी चीजें लेकिन वही व्यक्ति आज इस बिजनेस में टिके हैं अभी कई लोगों को याद आ रही होगी अपनी वो बातें अपने वो काम मुझे मालूम है अभी आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी समझनी पड़ेगी और हमेशा अपने सीनियर लोगों से इंट्रोड्यूस कराना ही कराना ये इंपॉर्टेंट है और लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप कि छोटे छोटे टारगेट देने हैं बड़े बड़े टारगेट नहीं देने कई बार क्या होता है मेरे को आज भी याद है आ, ये टाइम था लगभग 2014 की बात है कुछ लोगों का कंपटीशन हुआ कि भाई मैं निकलूंगा मैं सर निकलूंगा डायमंड बन के ही आऊंगा डायमंड बन के ही शादी करूंगा वो बंदा ना डायमंड बना और ना बिजनेस में रहा तो ऐसे ऐसे मतलब बोलते हैं कि ऐसे गोल भी नहीं बनाने हैं कि जिंदगी गोल हो जाए और गोल चीज है ना कहीं रुकती नहीं है तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि ऐसा भी नहीं करना है टारगेट होने चाहिए छोटे 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 टारगेट बनाइए कि मैं इतने टाइम में सिल्वर बनूंगा इतने में गोल्ड बनूंगा मैं ये वाला मोबाइल पहले लूंगा फिर मैं लैपटॉप लूंगा गाड़ी लूंगा ये छोटे छोटे आपको टारगेट बनाने इस हफ्ता मेरा ये प्लानिंग है सर इस हफ्ते में ये टारगेट करूंगा कंपनी ने अपना टारगेट दिया तीन महीने में इतना क्लोजिंग करना है वो अलग चीज है लेकिन हमारा काम क्या है हमारा काम है कि वो जो तीन महीने का टारगेट मिला था उसको वीक में कन्वर्ट करना जितना आप लोग इसको वीक में कन्वर्ट करोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा आपको समझना है छोटे छोटे टारगेट से क्या होगा जब आप छोटे टारगेट पूरे करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपको लगेगा ये कर दिया तो मैं अगला भी करूंगा वो कर दिया तो अगला भी करूंगा एक एग्जाम्पल मैं मैंने दिया है कई बार आप लोगों को लेकिन अभी वाला एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहेगा क्यों क्योंकि इसकी एक पूरा रिकॉर्डिंग रहेगा आपको हमेशा याद रहेगा कभी भी देखना होगा ये ट्रेनिंग आप देख सकते हैं मैंने कई दफा ये कहा है कि जब हम छोटे थे ना हमने देखा है हम जब स्कूल में पढ़ते थे हम छोटे छोटे हुआ करते थे स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुआ करती थी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जब होती थी तो हाई जंप लॉन्ग जंप ऐसी चीजें भी होती थी आपने भी की होगी मुझे मालूम है लेकिन मैंने नहीं की है। तो वहां मैं एक चीज देखता था सोच देखिए कहां की चीज कहां जाके याद आ गई तो इसलिए बिजनेस का मतलब इतना पावरफुल है आपके इस दिमाग को यूं पता नहीं कहां कहां तक लेके जाएगा लेकिन समर्पित समर्पित होना पड़ता है समर्पण करोगे ना तभी कामयाबी का दर्पण देख पाओगे जिसने समर्पण नहीं किया वो कामयाबी का दर्पण नहीं देख पाएगा आपका समर्पण जरूरी है अगर कामयाबी का दर्पण देखना है तो समर्पण करना पड़ेगा तो मैं बात कर रहा था वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी की हाई जंप और लॉन्ग जंप होता था आपने देखा होगा जब हाई जंप की बात आती थी दो डंडे दो लकड़ी के डंडे साइड में मतलब रखे जाते थे और बीच में धागा बांधा जाता था वो जो धागा बांधा जाता था पहले वो थोड़ा नीचे बांधा जाता था फिर लोग आते थे जंप मारते थे जब वो जंप क्रॉस हुआ फिर वो धागे को थोड़ा सा ऊपर किया जाता था फिर अगला जंप जब वो क्रॉस होता था फिर वो धागे को ऊपर किया जाता धीरे धीरे उस टारगेट को बढ़ाया जाता था क्यों क्योंकि मालूम है जब छोटे छोटे टारगेट पूरे होते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपको लगता है ये कर दिया तो वो भी कर सकता हूं तो वही चीज है कि वो व्यक्ति तीन फिट की ऊंची लग, छलांग लगाने के वाला कब वो पांच फिट की चलांग लगा दे, पता भी नहीं चलता है वही बात है कि कब आप छोटे छोटे टारगेट पूरे करते करते कब डायमंड डायमंडिप पूरी करोगे कब क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप मेरी तरह स्विफ्ट गाड़ी से निकलोगे और कैसे जयवार में आओगे आपको पता भी नहीं चलेगा तो जिंदगी बहुत शान और शौकत होने वाली है मेरे दोस्त लेकिन उसके लिए आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे टारगेट बनाइए उन छोटे छोटे टारगेट्स के पीछे भागिए क्योंकि छोटे छोटे टारगेट्स आपके बड़े बड़े टागे पूरे गए तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी मैं उम्मीद करता हूं ये ट्रेनिंग आपके बहुत काम आएगी और यहां से आपका बिजनेस उड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे योद्धा इसके लिए तैयार है तो आज का ट्रेनिंग जो रहा मेरे नॉलेज में बहुत अच्छा रहा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखोगे और अब वक्त आ चुका है हमारे जो लेजेंड है मैं उनसे मिलाना चाहता हूं जो हमारे लेजेंड मिस्टर मिस्टर बाद में बताऊंगा जो हमारे लेजेंड है वो पिछले 11 सालों से हमारे साथ पिछले ग्यारह सालों से मतलब मतलब ऑफिस जब हमने शुरू किया था तब से वो व्यक्ति हमारे मतलब साथ है मतलब ऑफिस में बैठना वो माहौल मतलब जो मैं अभी बात कर रहा था वो माहौल में हमेशा रहना हमेशा वो माहौल में जिंदा रहना तो मुझे आज भी याद है कि भाई वो व्यक्ति शुरुआती दिनों से हमारे साथ में वो बुरा दौर भी देखा वो अच्छा दौर भी देखा मुझे आज भी याद है कि दिल्ली का प्रोग्राम था टाल स्टेडियम में प्रोग्राम चल रहा था और सबकी एक टीम आई थी मैंने पहले बताया कि टीम है तो ड्रीम है सबकी टीम आई थी सब अपनी अपनी टीम के साथ जैसे आपने देखा होगा शो खत्म होने के बाद सारे अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं वहां पे लगता है कि पता नहीं आज तो कुछ करके जाएंगे सभी लोग बैठे थे और वो व्यक्ति अकेला कोई उनके साथ नहीं अकेला हम लोग रोहित सर में भूषित सर वगैरह हम इकट्ठे थे तो वो व्यक्ति आता है बोलता सर मैं क्या करूं क्योंकि गाड़ी ले रखी थी 800 गाड़ी ले रखी थी गाड़ी की किस्त भरने के पैसे नहीं सोच के देखिए इतना बुरा वक्त था अकेला व्यक्ति कोई साथ नहीं था लेकिन बोला कि सर क्या होगा तो रोहित सर ने बताया कि भाई लगे रहो जिंदगी तो बदल जाएगी बस सिस्टम पे चलते रहो सिस्टम को पकड़े रखो सिस्टम को छोड़ो मत अगर ये चीज करोगे तो जिंदगी तो बदल जाएगी और वैसा ही हुआ वो 800 की जो किस्तें रुकी थी वो किस्तें निकल गई जो लोग नहीं थे आज वो व्यक्ति वीनस बन चुके हैं आज उस व्यक्ति की अगर मैं टीम साइड की बात करूं तो सत्तर हजार क्रॉस हो चुका है सोच के देखिए आज मैं जहां पे 800 की बात कर रहा था कि 800 गाड़ी की किस्त के पैसे नहीं थे आज वो आदमी मर्सिडीज पैंतालीस लाख रुपए की मर्सिडीज गाड़ी में चलते तो सोच के देखिए ये बिजनेस की ताकत कितनी है सिस्टम की ताकत कितनी है बस अपलाइन को पकड़े रखिए अपलाइन के साथ चलते रहिए चिपके रहिए छोड़ना नहीं है तो मैं ऐसे ही एक लेजेंड जो हमारे हैं वॉरियर बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क के जो मजबूत पिलर मैं उनको इनवाइट करना चाहता तो स्तीश ठाकुर